हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रयान टाइम्स। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आपका एक बार फिर से खुश आमदीद है। मैं इस वक्त हूँ महमल सेंटर के पास। आप ये देख रहे हैं रस, ये रमज़ान का चुके 24वां रोज़ा है आज, मतलब कंप्लीट हो चुका है। और ये आप रस देखिए, भीड़ खचा खच बिल्कुल भरा हुआ है, एकदम बिल्कुल लग रहा है जैसे मेहरान चल रहा है एकदम। तो मंजर काफ़ी ख़ूबसूरत है, आप लोग देखिए। रमज़ान की रौनक जो है 2 साल के बाद वापस लौटी है, चूँकि सारे लोगों को पता है कोविड की वजह से सही से नहीं हो पा रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और मैं आपको, इससे पहले भी मैं एक व्लॉग बनाया था रमज़ान के ऊपर में, उस टाइम पर इतना रश नहीं था, बट ये रश को देखते हुए मुझे ये दूसरा व्लॉग बनाना पड़ रहा है, ताकि आप लोग भी देख सकें कि अभी कैसा चल रहा है, कितनी भीड़ है। तो आज जो है मैं मेन इसको कैप्चर कर रहा हूँ, मतलब शूट कर रहा हूँ। और खाने पीने के जो भी स्टॉल लगे हुए हैं इस वीडियो में, वो आप सारे चीज़ को देख सकते हैं। तो मैं वन बाय वन सबको कवर करूँगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखते रहें रयान टाइम्स। और जी हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो बनता है आप लोगों के लिए, मैं इतना कवर अप कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये स्टॉल लगा हुआ है और बतातीस, मतलब छान रहे हैं, देख रहे हैं आप, दो बड़ी बड़ी कढ़ाई है और बतातीस बनाया जा रहा है, जिसे क्या बोलते हैं कि फ्रेंच फ्राई भी बोलते हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी ख़ूबसूरत मंजर है। और मैं इसी तरह मैं दूसरे स्टॉल काउंटर की तरफ जाता हूँ। काफ़ी रस है इसलिए, ये आप देख सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है, आप लोग देखकर भी समझ सकते हैं। किब्दा, जी हाँ दोस्तों, किब्दा बनाया जा रहा है। इतना रश है, इतना कस्टमर की भीड़ है कि दो लोग मिलके किब्दा बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चलते हैं दूसरे स्टॉल की तरफ। काफ़ी ज़्यादा रस है, वो इसलिए कि चूँकि 2 साल के बाद, यानी नॉर्मल वे में रमज़ान हो रहा है इस बार, चूँकि 2 साल से तो कोविड का था, कोविड के प्रिकॉशन के तहत सही से नहीं हो पा रहा था, इसलिए 2 साल तो सुनसान था। लेकिन इस साल कुछ है, मतलब अभी यानी 24th रवे रमज़ान को तो काफ़ी रश है, अब देख सकते हैं फिर कितनी क्राउड है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैं आ चुका हूँ स्वीट्स एंड स्नैक नमकीन कॉर्नर के काउंटर पे, देख सकते हैं ख़रीदारों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग बढ़ चढ़ कर ख़रीद रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भी 2 साल के बाद ऐसा मौका मिला है। ये देख सकते हैं आप, फिर से हम आ गए किब्दा, जिसको आप लोग कलेजी भी बोल सकते हैं एक तरह से, मतलब सेम ही है, बोल नहीं सकते, कलेजी ही किब्दा है, या कुछ और होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देख रहे हैं सर्व किया जा रहा है, ज़बरदस्त। तो दोस्तों देखते रहें, आज का व्लॉग जो है काफ़ी ख़ास है, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देख रहे हैं एक जूस सर्व किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक जूस सर्व किया जा रहा है और पेमेंट इस पैन यानी सबगा से लिया जा रहा है। और ये काउंटर जो है, ये आइसक्रीम का काउंटर है, आप लोग देख सकते हैं
खाने पीने वालों की एकदम लाइनें लगी हुई हैं, घूमने वालों का एकदम भीड़, काफ़ी रस है। तो मैं आपको फिर से एक बार वीडियो में रिमाइंड करवा दूं, मैं इस वक्त हूं महमल सेंटर। जी हां दोस्तों, ये महमल सेंटर अल बलद, जहां पे सिटिंग अरेंजमेंट है, मतलब जहां बैठने की जगह है, मैं ठीक उसी जगह पर हूं। और यहां पे काफ़ी रश है, अभी काफ़ी भीड़ है। रमज़ान के 24वें रोज़ा हो चुका है, मतलब 25वें की तरफ हम लोग हैं। और यह फव्वारा देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक व्लॉग ऑलरेडी मैंने पहले बनाया था, बट आज का व्लॉग बनाने का रीज़न ये था कारण कि काफ़ी रस मैंने देखा, तो मुझे लगा नहीं आप लोग को भी दिखाना चाहिए कि चहल पहल जो पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है अब यहाँ पे, इसलिए आज का दूसरा व्लॉग मैं बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं कितना सारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, इतनी कस्टमर की लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ दोस्तों चलिए देखते रहिए आप लोग रयान टाइम्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और एक चीज़ और दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें रयान टाइम्स चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब तो बनता है ना, मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। और चलिए हम चलते हैं कॉर्निश की तरफ। ये देख रहे हैं आप, एक कॉर्निश का गेट है, वो लोगो कॉर्निश का देख कर आप लोग समझ सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं कॉर्निश की तरफ। कॉर्निश की तरफ जाने के साथ ही हम जाएंगे, जी जा गए हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्निश का जो मेन जो फ्रंट है, जिस तरफ से रास्ता है, रोड है, मेन रोड हायल की तरफ जो गया रास्ता, मे भी मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद अगर नहीं कहाँ गया वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उसी मेन रोड पर हूँ, यहाँ पे बैठने की जगह है, शेड नुमा बनाया हुआ काफ़ी खूबसूरत है, उसको भी लाइटिंग किया हुआ थोड़ा तो और अच्छा लग रहा है। और हम जा रहे हैं उसी तरफ कॉर्निश के साइड से, देख सकते हैं आप ये मेन रोड है, ये कौन सा रोड है मुझे पता नहीं है, आप लोगों को मालूम है तो मतलब कमेंट करें कौन सा रोड है ये। जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ महमल सेंटर में। जी हाँ, महमल सेंटर का तो कवर अप बनता है, इसलिए मैं आ चुका हूँ महमल सेंटर के अंदर का वीडियो बनाने के लिए। देख सकते हैं ये महमल सेंटर है, जो काफ़ी सज धज के तैयार है, सजावट आप देख सकते हैं फाउंटेन का। और ये आप देखिए इस तरह से डेकोरेशन किया गया है रमज़ान के तहत, लाइटें काफ़ी चमक धमक रही है, देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, महमल सेंटर के अंदर का नज़ारा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मरकज़ अल महमल या महमल सेंटर बोले एक ही बात है। मैं एक्सकलेटर से ऊपर चढ़ता हूँ, आप लोग देखिए काफ़ी खूबसूरत मंजर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए लाइटिंग कितना चमक रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं डेकोरेशन काफ़ी ज़बरदस्त किया हुआ है। दोस्तों देखते रहें रयान टाइम्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।